जी जनाब, जैसे कि हम पहुंच गए हैं कुनार रिवर पे। चीखता फूडी, जी हाँ, मैं मोहम्मद आरिफ और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे अपने अरे अब्दुल्ला दीवाना। चीखता फूडी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आज हमारी नई सुबह का आगाज हो गया है तो अब आरिफ भाई बताएंगे। आरिफ भाई, अब किधर की तैयारी है? जी, जैसे कि हम बालाकोट में थे और आज हम होटल को बाय बाय टाटा बाय बाय करते हैं और अब हम जा रहे हैं सवाद के लिए। उससे पहले रास्ते में 3 से 4 पॉइंट आएंगे। यहाँ से भाई आए ना, बताएं हमारे नाजरीन को कि हम किस किस पॉइंट पे जा रहे हैं। सर, अभी इंशाल्लाह यहाँ से हम आगे रुकेंगे दरियाए कुनार पे, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। उसके बाद इंशाल्लाह आगे जो बिशाम का रास्ता है उस रास्ते से हम जाएंगे शांगा टॉप। उसके बीच में लंच के लिए हम रुकेंगे एक पॉइंट पे मेन बिशाम सिटी में। फिर आगे एक हम वहाँ से जो है छोड़ देंगे कराकोरम हाईवे, फिर हम नेशनल हाईवे पे चढ़ के शांगा टॉप पे जाएंगे और फिर शांगा टॉप से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। अच्छा, यहाँ से भाई रात का खाना बहुत मज़े का था, ऑन फायर भी बहुत अच्छा था, होटल का स्टाफ भी बहुत मज़े का था। जाहिर सी बात है कोई छोटी मोटी चीज़ होती है जैसे कि किसी का कोई पानी गर्म नहीं आया, ये नहीं हो, ये मामला तो नाजिल होते रहते, पर रात का बारबेक्यू का बड़ा मज़ा आया, बॉन फायर का भी बड़ा मज़ा आया। इसमें सारा क्रेडिट जाता है हमारे यासिर भाई को और इनके साथ होने से हमें ये होता है कि हम बने रहते, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते। कोई नहीं लगता कि कोई लियाकतबाद से आया या कोई कायदाबाद से आया या कोई लाहौर से आया, कहीं से आया, जब सब मिलते हैं गेट टुगेदर होती है और फुल इन्जॉय होता है। तो रात को हमने बड़ा इन्जॉय किया और आप हमारे साथ बने रहे, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं बस में और चलते हैं सवाद के लिए और आरिफ भाई भी आ गए हैं तो आरिफ भाई चलें। हमारी बस तैयार है और हम अगले 5 मिनट में यहाँ से निकलने वाले हैं, तो आपसे अब मुलाकात होती है एक नए पॉइंट पर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। अब हम पहुँच गए कुनार रिवर पे और हम चलते हैं उधर का व्यू आपको दिखाते हैं। जी जनाब, ये है कुनार रिवर, ठीक है, और ये हम जब बालाकोट से हम आते हैं सवाद के लिए निकलते हैं तो ये मुजफ्फराबाद और बालाकोट के रास्ते में पड़ता है कुनार रिवर है ये। यहाँ का व्यू तो बहुत अच्छा है और पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत जगह हैं घूमने फिरने के लिए, तो अच्छा लगता है हमें कि इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत जगह हैं हमारे पास, फिर भी हम लोग बाहर को रिफर करते हैं। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर भी, आप देखें दरिया बह रहा है और पहाड़ है, हरियाली है, सब्ज़ा है। जिस तरह हम आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाते रहते हैं, जगह जगह लेके जाते रहते हैं, इसी तरह अब हमने कोशिश की है कि आपको पाकिस्तान का हर कोना दिखाएं कितना खूबसूरत है। आप भूल जाएंगे स्विट्ज़रलैंड को, आप भूल जाएंगे मलेशिया को, सिंगापुर को भूल जाएंगे, इतनी खूबसूरती है हमारा पाकिस्तान में कि बस आप मत पूछें। तो आप हमारे साथ बने रहें, फिर आपसे मुलाकात होती है अगले पॉइंट पर। अल्लाह हाफिज़। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये है काराकोरम हाईवे, जिसे KKHP कहते हैं, और ये रास्ता आगे खानपुर डैम वाली साइड से टैक्सी रास्ते होते हुए जब हम इस्लामाबाद से आ रहे होते हैं तो डायरेक्ट मोटर पे यहाँ तक बन चुका है। इसी तरह का रोड है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एल्टीट्यूड जो है ये KKH है पूरी दुनिया में, जो कि आगे चाइना बॉर्डर लगता है वो इसी रोड पर आता है। ऑल्टरनेट हम जो जाते हैं दूसरे रूट पर वो जाते हैं नारायण काकान से ओंजा की तरफ गर्मियों में, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें देखने की नहीं है, साइट सीइंग इतनी ज़्यादा नहीं है। नारान में यह है कि सैफुल मुल्क हो जाता है और आगे बाबूसा टॉप वाला रोड हो जाता है, और ये रास्ता तकरीबन उस रोड से 100 किलोमीटर वन साइड ज़्यादा है मुंजा जाने के लिए। आगे जाके हम लेफ्ट टर्न कर जाएंगे तो शांगले टॉप के रास्ते पर आ जाएंगे, अगर हम राइट टर्न करके सीधा जाते रहेंगे तो आगे जाके चिलास और फिर गिलगित और फिर मुंजा पहुँच जाते हैं। शोर भी करना है।
बिल्कुल दीवाना हुआ हुआ है गाना सुन के। फुल एंजॉय है, चल रहा है अब्दुल्ला जी। चलने लगे जनाब, हम पहुंच चुके हैं थाकोट। थाकोट का जो है ना बोर्ड लगा हुआ है और जो है ना इसके बाद हम दिशाम पे जा रहे हैं, वहाँ हमारा लंच है और उसके साथ साथ हम समझेंगे थाकोट के टूल प्लाज़ा पे खड़े हुए। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं थाकोट का टूल प्लाज़ा है हमारे पीछे और एक खूबसूरत सी बिल्डिंग पीछे भी नज़र आ रही है। बड़ा खूबसूरत सा इन्वायरमेंट है। हमारी ये बस खड़ी हुई है, अभी हमें शायद मोटरवे वालों ने रोका है, उनके साथ क्या मामला थे वो ड्राइवर साहब देखने गए, तो अब आगे की अपडेट जो भी होगी हम आपको बता दें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है जिसका कमेंट सबसे मजे का होगा उसको हम देंगे एक सरप्राइज गिफ्ट। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। और खाने को मौत यूं ही देते रहें।